आपने अपनी सबूत की बात की थी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा जो व्हाट्सएप चैट हुए रहेंगे जो मीका जी के साथ आपके, तो आप मीडिया के सामने बता सकती है कुछ थोड़े बहुत चैट? डेफिनेटली मैं आपको बताती हूँ, वीडियो मुझे मीका जी ने तीन वीडियो भेजे हैं वो लड़की के, प्रियंका के, और पहले तो ये मीका जी ने, ये देखिए पूरा कॉन्वर्सेशन है, उन्होंने मुझे, मीका जी ने सब बताया है कि 4-5 बजे कुछ अर्ली मॉर्निंग में वो घुस गई खिड़की से लड़की, फिर पूरे कमरे में जाके पता नहीं क्या कर रही है, तांडव कर रही है, गाली गलौज कर रही है, सुबह सुबह पता नहीं कुछ ड्रग्स व्रग्स लेकर आई है अर्ली मॉर्निंग में, और पुलिस को 100 नंबर दबा के पुलिस को बुलाया, पूरी पुलिस भी खड़ी है और कुछ औरतें भी एनजीओ की बैठी हुई है, उनको गाली गलौज कर रही है, पुलिस को गाली गलौज कर रही है, और पुलिस को कह रही है, देखिए मेरे पास वीडियो, मैं आप लोग को देती हूं कि तुम सब रिश्वत खोर हो, पुलिस को कह रही है, मैं तो पुलिस की बेटी हूं, पुलिस को आप ऐसा नहीं बोल सकते, वो आपके सेवा के लिए आए हैं, हम खाकी की इज्जत नहीं करेंगे तो हमारा, हम कैसे आगे बढ़ेंगे बताइए। ये बंद हो गया क्या? हाँ वीडियो दिखा दी, किसी इंजियो ने लड़की को धमकी दे रही है और वो कह रही है कि मैं सबको ओपन करूंगी सबको, तो एनजीओ के लिए औरतें कह रही है आप हमको थ्रेड कर रहे हो, वो तो मैं चैलेंज कर रही हूँ, कितनी कॉन्फिडेंट है लड़की। तो दिखाए ना, मैं कहती हूँ अगर लड़की के पास कोई भी सबूत है तो पुलिस को दिखाए ना, अगर मीका जी कसूरवार है वो, तो पुलिस को वो दिखाए ना, लड़की सबूत दिखाए ना, कुछ ऐसा कुछ है तो। पुलिस को गालियां दे रही है, जिन्होंने उन्होंने फोन करके पुलिस को बुलाया तो गालियां दे रही है। मीका जी खुद ने वीडियो लिया, पुलिस को बोला घूस लेके नहीं चलाते हमारी जिंदगी, देखो 5 करोड़ किसने मांगे, देखिए ऐसे बहुत वीडियो में आप लोग को दे देती हूँ, देखिए जो लड़की पुलिस को गालियां दे रही है, एनजीओ में फीमेलें बैठी हैं, फीमेलें बैठी है उनको गालियां दे रही है, मीका को धमकी दे रही है, तो देखिए मैंने हमेशा एक महिला का सपोर्ट किया है, मैंने हमेशा महिला का सपोर्ट किया, लेकिन इस बार मैं इसलिए सपोर्ट नहीं कर रही हूं क्योंकि यहां पे एक आदमी बेकसूर है,
इसलिए मैं मिका का सपोर्ट कर रही हूं। मुझे सबने कहा कि तू मिका का सपोर्ट कर रही, मैंने कहा हां कर रही हूं, क्योंकि इस बार वो बेकसूर है तो क्यों ना करूं। मुझे कह रहे तुम्हारी बदनामी होगी, मेरी बदनामी के डर से, मेरी मैं अपनी बदनामी के डर से किसी आदमी पे जुल्म हो रहा है या उसको जबरदस्त से फंसाया जा रहा है तो क्या मैं ये होने दूं। वो भी मेरे फ्रेंड है, मेरा घर का रिश्ता है मिका जी से, दिलर पाजी से, उनके पूरे परिवार से, मेरे घर का रिश्ता है। मिका जी बेकसूर है और ये सब कुछ आपको पुलिस जरूर बताएगी, आप पुलिस स्टेशन में भी इंक्वायरी कीजिए। वो लड़की का नंबर है, मैं आपको दे देती हूं, आपके पास होगा ही उनका नंबर, आप उनको मिलिए, उस लड़की को पूछिए उसके पास कोई सबूत है तो बताए। जबरदस्ती ऐसा इल्जाम क्यों लगाया किसी स्टार पे, आप एक बिग बॉस जैसे शो में जाने के लिए या स्प्लिट विला जैसे शो में जाने के लिए किसी के इतने बड़े स्टार को टारगेट करते हो आप? ऐसे किसी भी स्टार को नहीं टारगेट करना चाहिए। मेरा और मिका जी का इंसिडेंस 10 साल पहले था, तब मिका जी स्टार नहीं थे, आज वो बहुत बड़े स्टार है। मेरी सुलह तो 5 साल पहले हो गई मिका जी के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। बीच में इंसिडेंस हुआ था थप्पड़ का, जब मिका जी शो कर रहे थे तो एक बंदा स्टेज पे, डॉक्टर था कोई बंदा, कोई चला गया था, मुझे पता नहीं डॉक्टर था कि आतंकवादी था, आई डोंट नो, जो भी था वो अच्छा खासा अपना लगन होकर डायलॉग याद करके गाना गा रहे और ये बंदा बीच में घुस गया। पता नहीं उनको जाके स्टेज पे गाली गलौज करी या चाकू दिखाया, क्या दिखाया पता नहीं, और तो फिर मिका जी ने उनको थप्पड़ लगा दिया। तो थप्पड़ नहीं लगाया तो अगला बंदा क्या करता बताइए ना आप? आप इतने पैसे लेकर, पहले बात तो ऑर्गेनाइजर का शो करते हो, अगर आप स्टेज छोड़ के चले जाओगे तो ऑर्गेनाइजर बर्बाद हो जाएगा। और ऐसे बंदे ऐसे घुस जाते हैं, क्या पता, चलो ठीक है ये तो स्टेज पे घुस गया, गाली दिया, कॉलर पकड़ा, ये किया, अगर कोई आतंकवादी होता, चाकू वाकू घुसा दिया, ठोक दिया होता तो क्या होता? हम तो इतना बड़ा सिंगर तो खो बैठते ना मिका जी जैसा। अरे सिक्योरिटी वाले होते हैं, वो कभी टॉयलेट चले जाते, को पता नहीं कहीं चले जाते हैं, मुंह काला करने उनका सिक्योरिटी वाले, और कोई घुस जाता फिर स्टेज पे। नहीं क्या मतलब है, सेलिब्रिटी होने के नाते किसी को मार नहीं सकते? सेलिब्रिटी होने के नाते मार खा सकते? ये कौन सी किताब में लिखा है, क्या बात करते हो? तो क्या पब्लिक फिगर तो आओ नोचो ऐसा बोले? नहीं वॉट पब्लिक फिगर है तो आओ, हम सेलिब्रिटी में नोचो ऐसा बोले? कमाल है, ऐसे कैसे फायर? उन्होंने प्यार से बोला, नहीं माने तब लगा दिया ना मिका जी ने, तो वो कितना बदतमीजी कर रहा होगा बंदा बताओ। मेरे साथ भी ऐसा कभी कभी होता, मैं धोती हूं बहुत। आज पॉलिटिक्स से मेरा निकलने का मकसद ही यही है कि जब मैं एक अभिनेत्री, जब मैं 40-50 हजार लोगों में जाती हूं तो ये एक नेता को देखने नहीं आते कि अभिनेत्री को देखने आते हैं और गंदी हरकतें करते हैं। मैं उठा के पटक पटक के पिटती हूं, अभी मेरे हाथ भी दुख गए पीट के, इसलिए उस बेहतर है कि मैं ही निकल गई पॉलिटिक्स से।